ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। गिरफ्तार करो नहीं तो खुदकुशी कर लूंगी, शाहजहांपुर के रेप के आरोपी बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री चिन्मयानंद की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हताश पीड़िता ने अब धमकी दी है, गिरफ्तार करो नहीं तो वो अपनी जान दे देगी। गौर से देखो, ये वही नेता है जो बीजेपी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। स्वामी शर्म हया सब ताक पर रखकर एक छात्रा से मालिश करवा रहे हैं। ये वीडियो पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया टीवी चैनलों पर दिखाई जा रही है। हम आपको वो वीडियो पूरी तरह से नहीं दिखा सकते हैं किस तरह से स्वामी मालिश करवा रहे हैं, लेकिन कुछ झलकियां जरूर हम आपको दिखा सकते हैं जिससे आप अंदाजा लगा लेंगे स्वामी चिन्मयानंद किस हद तक गुजर चुके हैं, किस तरह से कानूनी पढ़ाई पढ़ने वाली छात्रा से अपनी शरीर की मालिश करवा रहे हैं। लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 16 सितंबर को छात्रा की बयान 164 के तहत हो चुका है, उसके बावजूद अभी तक स्वामी पर FIR दर्ज नहीं हुआ है, जिससे पीड़ित छात्रा ने धमकी दी है, गिरफ्तार करो नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी खुदकुशी कर लूंगी। हॉस्टल क्या करेंगे? बंद कर देंगे। अच्छा, क्या करेंगे? कोई नहीं, तुम्हें अकेले रहने वाली हो कल, तुम हो गया कंसर, और अच्छा भी पेपर पे जाएंगे, वो दून नहीं तो पेपर है, वो भी खत्म हो जाएगा उसके बाद। यहाँ कौन आ सकता है इसके लिए? कौन काम करूँगा? काम करने की तनख्वाह देना, फिर जुलाई से सारे शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो इतने दिन तक घर पे जा सकते हैं? कोर्ट जाना कुछ से होगा, कुछ भी बहुत देखते हैं, पर हमारे पापा का बंदर का हो जाए करवा देते हैं, लेकिन होगा 23 मई के बाद। 23 मई तक आचार संहिता लगी है, नहीं होगा तले लगा कर तले तेल सुखाए कर थोड़ा ना। लेकिन चिन्मयानंद को गिरफ्तार करने के बजाय SIT पूछताछ कर रही है। लेकिन पीड़ित छात्रा का कहना है, सरकार चाहती है या तो लड़की खुद मर जाए या तो फिर सरकार बता दे, मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद आग लगा लूं। इधर लड़की मांग कर रही है स्वामी की गिरफ्तारी की। उधर स्वामी अस्पताल पहुंच गए हैं बीमारी की इलाज कराने को, और डॉक्टर जुटे हैं इलाज करने में। पीड़िता ने कहा है चिन्मयानंद को बचाने में तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये देखना होगा चिन्मयानंद की गिरफ्तारी कब होती है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स।